हेलो एवरीवन, सभी को प्यार भरी सत श्री अकाल। वीडियो बहुत छोटा होने वाला है और होने वाला है हिंदी लैंग्वेज में। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि रमन सर पढ़ना तो आपसे चाहते हैं, मगर कई बार पंजाबी सानू समझ नहीं आती। कोई बात नहीं, एक टीचर के लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं। कुछ वीडियोस मैं पंजाबी में बनाऊंगा, कुछ इंग्लिश में बनाऊंगा, कुछ हिंदी में बनाऊंगा। मेरा टारगेट क्या है कि बच्चों को कैसे भी टीच करना, टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करते। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज का वीडियो हिंदी में होने वाला है। और दूसरी बात, मैं आपको ये नहीं पढ़ाने वाला कि रीडिंग को ऐसे करते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। मैं आपको टीच करूंगा 40 क्वेश्चन कैसे करते हैं। मतलब क्या है कि बहुत सारे बच्चों को एग्जाम में ये प्रॉब्लम आती है कि रमन सर, या तो हमारे पास टाइम नहीं बचता, या हमारे क्वेश्चन में जो सीक्वेंस होता है वो हमसे टूट जाता है, या हमें लोकेशन पे नहीं हम पहुंचते। मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे सवाल होते हैं, तो कैसे सॉल्व करें बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। शुरू करते हैं आज की क्लास और उम्मीद करूंगा आपको अच्छा लगेगा। और अगर मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, जिन लोगों ने बोला था कि हिंदी में वीडियो बनाओ, हिंदी में वीडियो बनाओ, तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। आपको लगा कि हाँ, रमन सर ने हमारे बारे में सोचा या कैसा कुछ। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, मेरे को हिंदी में इतना एक्सेंट नहीं है, बड़ी बात क्लियर कर देता हूँ आपको। हाँ, मगर मैंने आपको जस्ट पढ़ाने के लिए हिंदी बोलना शुरू किया है ताकि आप बच्चे मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ लें। तो शुरू करते हैं हमारा आज का जो मॉड्यूल है, इसके बारे में हम बात करेंगे, जो है दैट्स आईएलटीएस रीडिंग। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, IELTS IELTS और रीडिंग की हम बात करेंगे। मैंने आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बताना, मैंने आपको ये बताना है कि एक से लेके जो 40 क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कैसे करना है। मतलब देखो, सबसे पहली बात होती है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा कंसंट्रेशन नहीं बनता। ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, मैंने आपकी पर्सनल लाइफ से कुछ भी नहीं लेना। मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि वीडियो छोटा बने और आप कम समय में बहुत अच्छा क्लियर कर सको। जो बच्चे बोलते हैं कि सर कंसंट्रेट नहीं बनता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो रात को सोते नहीं है, ये बड़ी प्रॉब्लम है, आपको बता रहा हूँ। अगर आपको नींद आ रही है, एक तो रीडिंग पहले से बोरिंग होती है, तो कैसे सॉल्व करोगे, ये एक बड़ा इशू है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कोई नहीं करता, मैं आपको करता हूँ, 7-8 घंटे की आप नींद लोगे तो आप रीडिंग में कंसंट्रेट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं करोगे। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि 40 क्वेश्चन है, हमने तो बस इसकी प्रैक्टिस करनी है और रीडिंग में कंसंट्रेशन बनना शुरू हो जाएगा, कभी भी नहीं। हाँ, हिंदी में अभी इकट्ठे हो गया, चलो, कभी भी नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने क्या करना है, कोई बच्चों वाली स्टोरी बुक्स को पढ़ना शुरू करना है। आपने क्या करना है, कोई 10वीं 12वीं जो हमारी क्लास की जो स्टोरीज होती है ना, आप उनको रीड करना शुरू कीजिए। इससे आपको हेल्प होगी कि आपका माइंड एक जगह पे टिकेगा। और सच्ची बात बताता हूं, जो बच्चे ये करते हैं ना रीडिंग करते टाइम, उनका कंसंट्रेट टूट जाए, हाय उसकी डीपी नहीं दिख रही, अरे राम, अरे भगवान उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया। अरे भाई, मतलब साफ है कि आपको इन चीजों से परे हटना है और डेफिनेटली अपने एग्जाम के ऊपर ध्यान देना है। तो सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूं, सभी वीडियोस में हमने आज तक ये बात की है कि आपको जो पैराग्राफ्स होते हैं, जैसे पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3, सभी बच्चों को यह क्लियर करना चाहता हूं कि 3 पैसेज होते हैं, पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3। तो इसमें हमें जो क्वेश्चन काइंड होते हैं, जैसे पैसेज 1 में क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली 1 से लेकर 13 क्वेश्चन होते हैं, और जो पैसेज 2 होता है उसमें होते हैं 14 से लेकर 26 क्वेश्चन तक, और जो लास्ट वाला पैसेज होता है इसमें होते हैं 27 से लेकर 40 तक क्वेश्चन। मतलब एक आधा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आपको ये सिखाया गया है आज तक कि आपने पता है क्या करना है, आपने करना है 20 मिनट इसको देने हैं, 20 मिनट इसको देने हैं, 20 मिनट इसको देने हैं, मैं बिल्कुल इस बात को मानता नहीं। मैं नहीं कहता कि 20-20 देने, क्यों? देखो, बड़ी साफ सी बात बताता हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल के तौर पे आपको क्लियर करता हूँ, शायद आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाए। मान लीजिए मैंने अपनी टीम को बोला कि आप लोगों ने क्या करना है, मेरे को एक मंथ में, आपने स्टोरी से आपको क्लियर करना चाहता हूं, मेरे को एक मंथ में आप लोगों से 90 रुपीज चाहिए, एक मंथ में मेरे को आपसे 90 रुपीज चाहिए। मेरे को नहीं पता आप कैसे कमाते हो कैसे नहीं कमाते, तो मैंने यहां पे ना डेट्स लिख दी। मान लीजिए मैं 3-4 डेट लिखता हूं, 4-5-6, ये
मैंने डेट्स लिखी हैं, आपके तो क्वेश्चंस होंगे। तो मेरी टीम को ये पता चल गया कि रमन सर ने एक महीने के बाद कितने रुपए मांगे हैं, 90 रुपीज। तो एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30। तो पर डे उन्होंने कितने रुपीज कमाने हैं, 3 रुपीज कमाने हैं। गौर से सुनना इसका, इसके रीडिंग के साथ लॉजिक बड़ा अच्छा होगा। एक दिन में अगर 3 रुपए कमाएंगे तो 30 दिनों में 90 रुपए हो जाएंगे। तो क्या हुआ, जब पहले दिन मेरी टीम ने क्या पैसे कमाए, उन्होंने 3 रुपए कमा लिए, वो खुश हो गए कि पहला टारगेट पूरा हो गया। दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, उनके पास तो 1 रुपया आया, अरे भाई ये तो टाइम वेस्ट हो गया, आप कितने लॉस में चल रहे हो अभी, 2 रुपीज के लॉस में चल रहे हो। तो उसने तीसरे दिन क्या किया, जो क्वेश्चन जो पैसे कमा रहा था उसने 5 रुपए कमा लिए। तो मतलब क्या है, 5 रुपए कमाने का मतलब ये हो गया कि अगर 2 तारीख को उसने 1 रुपया कमाया था तो 3 तारीख को उसने 3 तारीख वाले पैसे भी कमा लिए और 2 तारीख का जो घाटा था वो भी पूरा कर लिया। मतलब क्या है कि एट द एंड उसने क्या किया, महीने में 90 रुपीज ही कमाए। इसमें रीडिंग में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर एक क्वेश्चन को हमने 1 मिनट देना है। मैं बात समझ गया, ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन को आपने 1 मिनट देना है। कोई क्वेश्चन तो ऐसा होता है ना जो 2 मिनट में भी क्लियर नहीं होता, और कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो 5 सेकंड में क्लियर हो गया। तो मतलब क्या है कि जो 2 मिनट लगे थे एक क्वेश्चन को और दूसरा 5 सेकंड में हो गया, वो टाइम मैनेज हो जाता है। ये नहीं है कि आपने एक ही क्वेश्चन के ऊपर बैठे रहना है। तो इसकी प्लानिंग ये है आपकी कि आपको एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा ना कि पैसेज 1 आपने 20 मिनट में किया था कि नहीं किया था, पैसेज 2 आपने 20 में किया था कि नहीं किया था। एग्जामिनर को चाहिए कि आपने 40 क्वेश्चन 1 घंटे में करने हैं, चाहे आप लास्ट वाले 5 मिनट में करो या कुछ ना करो। मतलब उसको ये कोई मतलब नहीं है कि किस पैसेज पे कितना टाइम लगाया था। और अगर मैं आपको अच्छी बात बताऊं, जो रीडिंग होती है ना उसमें होती है, देखो कोई कुछ बोले, मैं सबसे पहले आपको क्लियर करना चाहता हूं, मेरा किसी से मुकाबला नहीं है कि कोई बोलेगा नहीं भाई 7 टाइप होती हैं, कोई बोलेगा 10 टाइप होती हैं, मैं बोलता हूं 5 होती हैं। तो मेरे पढ़ाने में तो 5 टाइप ही होती हैं, बात खत्म। मैं किसी से कंपीट नहीं करने वाला, मैं किसी को ये नहीं कहने वाला कि अरे भाई तेरे पास ज्यादा क्यों है कम क्यों। हाँ एक बात मैं क्लियर करने वाला हूं, अगर एग्जाम में ये 5 टाइप से बाहर से कोई क्वेश्चन आया, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैं बड़ी क्लियर बात बोल रहा हूं। तो 5 टाइप कौन कौन सी है पहले तो ये बताता हूं मैं आपको। अगर मेरे से आप सीखोगे ना कि रमन सर 5 टाइप आप कौन कौन सी बताते हो, देखो मैंने लिखा 1, 2, 3, 4 और 5। पहली टाइप मैंने लिखी यहां पे लिस्ट ऑफ हेडिंग, और मैं आपको यहीं पे नहीं रुकने वाला, मैं आपको एक पूरी रीडिंग दिखाऊंगा भी और उसमें ये 5 टाइप होंगी। आप कोई भी रीडिंग उठा लेना 5 टाइप होंगी, क्यों किसी का पागल बनाना यार। दूसरी टाइप होती है फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। तीसरी टाइप होती है मैचिंग, मैच द इंफॉर्मेशन। चौथी टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रू फॉल्स, और ये टाइप के साथ एक टाइप होती है यस नो। देखो टाइप में मानता हूं अलग है पर इसको करने का तरीका तो सेम ही है। और लास्ट वाली टाइप होती है दैट इज कॉल्ड एमसीक्यू। मतलब मेरी निगाह में ये 5 टाइप है। और मैं आप सभी को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि कभी भी इस दिमाग से मत चलना कि कोई बच्चा ऐसे करे कि रमन सर हमने तो पता कैसे सीखा है, मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए आपके पास ये रहा पैसेज 1, पैसेज 2 और पैसेज 3। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, 1, 2, 3। वीडियो शेयर लाइक करने को नहीं बोल रहा, वीडियो एंड तक देखोगे, अगर लगेगा कि ये बंदा आईएलटीएस क्लियर करवा देगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अदरवाइज मत करना। मेरे पास कितने पैसेज हैं आपके सामने, 3 पैसेज मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, पैसेज 1, पैसेज 2 और पैसेज 3। और मैंने बोला था पैसेज 1 में कितने क्वेश्चन है, 1 से लेके 13, दूसरे में कितने 14 से लेके 26, तीसरे में कितने 27 से लेके 40। मतलब 3 पैसेज। अगर किसी बच्चे को यह लगता है कि रमन सर सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, इस तरीके से 40 कर लेंगे, मैं आपको रिटर्न में देने वाला हूं कि आपका एग्जाम 5 बैंड से ऊपर नहीं जाने वाला अगर आप ऐसे करोगे। तो कैसे करें, हाँ कैसे करें का तरीका ये रहा, ये देखिए, सबसे पहले आपने एग्जाम में करना है लिस्ट ऑफ हेडिंग। आप कहीं पे भी, आपके पास 3 पैसेज है ना, ये रहा ये रहा ये रहा, आपने पहले पैसेज 1 को देखना है, अरे भाई इसमें लिस्ट ऑफ हेडिंग नहीं है छोड़ इसको, पैसेज 2 में देखना है, अरे इसमें भी नहीं है, पैसेज 3, हाँ ये रहा।
तो ये कोई जरूरी नहीं है कि पैसेज वन से ही शुरू करना है, आप पैसेज थ्री से भी शुरू कर सकते हो, मगर सबसे पहले अगर आपने बेस्ट रीडिंग का रिजल्ट लेना है तो आपने लिस्ट ऑफ हेडिंग को सबसे पहले करना है। इसका रीजन भी बता दूंगा मैं आपको क्यों करना है, उसका भी लॉजिक है मेरे पास। दूसरे नंबर पर आपने करना है फिल इन द ब्लैंक को, और तीसरे नंबर पर आपने करना है मैचिंग को। ये तीनों मैंने पता क्यों बताए हैं, देखो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। आप बहुत सारे बच्चे होते हैं रीडिंग में तुक्का मारते हैं, कोई बात नहीं यार, चलना चाहिए। रीडिंग नॉलेज का गेम नहीं है, रीडिंग तो टिप्स और ट्रिक्स का गेम है। अगर मान लीजिए आपने एग्जाम करते करते, कितने टाइम का एग्जाम है, 60 मिनट का, मतलब एक घंटे का एग्जाम है, मान लीजिए आपके 35 क्वेश्चन हो चुके हैं और आपका जो टाइम है ना वो हो गया 58 मिनट। माय गॉड, 35 क्वेश्चन हुए हैं कितने टाइम में, 58 मिनट में। आपको एक बात क्लियर होने वाली है कि भाई साहब 2 मिनट बचे हैं और क्वेश्चन कितने बचे हैं, 5 क्वेश्चन बचे हैं, ये भी क्लियर है। और 2 मिनट में 5, ना तो आप लिस्ट ऑफ हेडिंग कर सकते, ना आप फिल इन द ब्लैंक कर सकते, ना आप मैचिंग कर सकते। क्यों? लिस्ट ऑफ हेडिंग के लिए एक्यूरेट वर्ड चाहिए, जो अल्फाबेट होता है। फिल इन द ब्लैंक के लिए एक्यूरेट आपको जो होता है ना वर्ड होता है वो आपको चाहिए, और मैचिंग के लिए भी सेम है। मगर जो आयल्स होता है ना इसमें नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो नहीं है ना, तो आप क्या कर सकते हो, अगर लास्ट पे 2 मिनट में 5 क्वेश्चन है और पांचों कौन से हैं, या तो ट्रू फॉल्स है या एमसीक्यू है, मैं आपको गारंटी देता हूं ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू लास्ट पे छोड़ना, क्योंकि इससे आपको क्या फायदा होने वाला है। आप अगर तुक्का भी मारोगे ना, कोई पता नहीं किस्मत ऐसी होती है, 5 में से 3 तो कहीं नहीं गए, 2 आ जाएंगे, चलो कोई पता नहीं माता रानी की ऐसी कृपा होती है, 5 में 5 ही आ जाते हैं। अगर आपके पास फिल इन द ब्लैंक है वो नहीं होगे, मेरी बात को ध्यान से सुन लो। पेपर कैसे करना है, सबसे पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग, दूसरे नंबर पे फिल इन द ब्लैंक, तीसरे नंबर पे मैचिंग। ये तीनों टाइप में तुक्का नहीं बजने वाला, और लास्ट 2 है, चल जाता है तो कर लेंगे, किसी पे आस मत रख के जाओ। मैं आपको, चलो शुरू करता हूं, मैं आपको एक बात दिखाता हूं एग्जाम कैसा होगा, पेपर कैसा आता है। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आपके सामने यहां पे एक रीडिंग को शो करता हूं, ये देखिए मैंने आपके लिए यहां पे तैयार किया हुआ था, यहां पे एकेडमी का रीडिंग मैंने यहां पे रखा हुआ है। और याद रखिए एकेडमिक और जर्नल दोनों की रीडिंग में फर्क जरूर होता है, पर टिप्स एंड ट्रिक्स सेम होते हैं। आपके सामने अगर मैं आपको बताऊं, ये देखिए आईएलएस एकेडमिक रीडिंग 40 क्वेश्चन है, Section 1, Section 2, Section 3, 3 सेक्शन है मेरे पास। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पहला सेक्शन देखता हूं, इसमें कौन से क्वेश्चंस हैं। Section 1 मैंने ओपन किया तो आपके सामने जो सेक्शन है अ लाइफ विदाउट मेंटल इमेजेस का जो क्वेश्चन है, और अगर मैं आपको क्वेश्चन काइंड की बात बताता हूं तो गौर से देख लेना, पहले वाले 5 क्वेश्चन है वो है ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, उन 5ों में आ गया ना ये, और दूसरे जो 5 हो गए 1 से लेके 5 तक का, और उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं 6, 7, 8 वो भी यहीं पे है, ट्रू फॉल्स है, 8 तक तो ट्रू फॉल्स हो गया, और दूसरे नंबर पे आ गया 9 से लेके 13 तक, नो मोर देन 2 वर्ड, ये हो गया फिल इन द ब्लैंक। मैंने आपको 5 टाइप बताई है ना, मतलब आपको ये पता चल गया कि रमन सर ट्रू फॉल्स भी इसमें है, फिल इन द ब्लैंक भी इसमें है, मगर यार मेरे को ना लिस्ट ऑफ हेडिंग नहीं मिले, ये पैसेज मैं बाद में करूंगा। मैं बाहर आ गया, Section 2 खोला, Section 2 कौन सा है, लाइफ लेसन फ्रॉम विलेंस क्रूक्स और गैंगस्टर्स। ओके, ये बड़ा मजे वाली बात आ गई कि 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये 8 क्वेश्चन है, कौन से हैं, लिस्ट ऑफ हेडिंग है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि सबसे पहले आप Section 2 कीजिए। आप बोलोगे क्यों सर, क्यों करें, ये रीजन बताओ। मैं आपको अगर रीजन बताने की बात करता हूं ना तो ध्यान से सुनिए कि अगर आपने लिस्ट ऑफ हेडिंग को करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैराग्राफ ए पढ़, ए भी पढ़ना है, बी भी पढ़ना है, सी डी ई एफ जी एच। अगर 8 क्वेश्चन करने हैं तो 8 ये वाले पैराग्राफ तो आप रीड करोगे ना, तो मैं आपको ये गारंटी देने वाला हूं, ध्यान से सुनिए, अगर आपने 14 से लेके 21 क्वेश्चन करने के लिए ये 8 लिस्ट ऑफ हेडिंग कर लिए ना, तो जो ये हमारे ना 22 से लेके 25 है और जो 26 क्वेश्चन है, टोटल कितने हो गए, 22, 23, 24, 25, 26, ओके कितने हो गए, 5 क्वेश्चन, वेरी गुड। जो ये 5 क्वेश्चन होने वाले हैं ना,
ये ए से लेके एच पैराग्राफ के बीच होंगे, ये मेरी गारंटी है। और आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर आप लिस्ट ऑफ हेडिंग बड़े अच्छे तरीके से करोगे ना, तो जो बाकी के क्वेश्चन है ना वो कहां से आएंगे, अरे इसी पैराग्राफ्स में तो आएंगे ना, और वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो लोकेशन को ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये देखिए, पहले सेक्शन में कौन कौन से थे, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक। दूसरे में क्या आ गए, लिस्ट ऑफ हेडिंग और फिल इन द ब्लैंक। तीसरे सेक्शन में कौन से क्वेश्चन है ये देखते हैं। तीसरे में ओ माय गॉड, 27 से 31 फिर ट्रू फॉल्स आ गए, और 32 से लेकर 35 आ गए MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और उसके बाद लास्ट पे नो मोर देन टू वर्ड्स, ये फिर फिल इन द ब्लैंक आ गई। अगर मैं आपको यहाँ पे आपको एक बात दिखाऊं जो मैंने आपको अभी सिखाया है, ये देखिए मैंने आपको क्या बताया था, आपको एग्जाम में कौन कौन सी चीजें, लिस्ट ऑफ हेडिंग आया ना, देखा ना आपने, लिस्ट ऑफ हेडिंग था, फिल इन द ब्लैंक भी था, हाँ मैचिंग इसमें नहीं आया, ट्रू फॉल्स था, एमसीक्यू थे। अरे मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये पांच की पांचे चीजें एग्जाम में आएंगी, इससे अलावा कुछ नहीं आएगा। अगर आपको लगता है, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, अगर आप चाहते हो कि रमन सर ये तो आपने ओवरऑल रीडिंग का बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि कैसे पेपर को करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, आप रीडिंग घर पे करोगे इंस्टीट्यूट में करोगे, मेरा ये पैटर्न फॉलो करके देखना, मैं गारंटी देता हूं आप 6.5 से कम नहीं आओगे। चलिए बात को खत्म करते हैं। अगर आप चाहते हो कि सर एक ऐसा वीडियो बना के दे दो जिसमें आप हमें ये सिखाओ कि रीडिंग में कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी, कोई पांच मिस्टेक्स ऐसी बता दो जो रीडिंग में हम ना करें, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपके लिए वो वीडियो भी बना दूंगा, और वो भी बहुत कम टाइम में। आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हिंदी मेरा इतना अच्छा नहीं है मगर आप लोगों के लिए मैं बोला, अगर आपको लगता है कि हाँ ये बंदा है जो पेपर क्लियर कराएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप चाहते हो कि रीडिंग का मैं आपको वो पार्ट लेके आऊं जिसमें मैं आपको बताऊं कि रीडिंग में कौन सी मिस्टेक्स मत करो, राइटिंग में कौन सी मिस्टेक्स मत करो, लिसनिंग में कौन सी मत करो, स्पीकिंग में कौन सी मत करो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको बोर किया हो तो माफ करना, मगर दिल से पढ़ाया, और हिंदी वालों आपके लिए था ये स्पेशल, तो आप कमेंट में बताओ कि कैसा लगा आपके लिए ये स्पेशल वीडियो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।